उदाहरण देखें। पहला 3x एक पद, दूसरा 2x धन 3y दो पद, तीसरा ऋण x गुणित y ऋण 4x धन 35 तीन पद, चौथा x बटे y गुणित z एक पद, पांचवा x गुणित y एक पद। व्यंजक 2p धन p x धन 3 पूरे का वर्ग x ऋण y पूरे का वर्ग में कितने पद होंगे, क्या आप बता सकते हैं? इन तीनों व्यंजकों को देखने से ऐसा लगता है कि इनमें प्रत्येक में दो दो पद हैं, क्योंकि ये पद धन व ऋण चिन्ह से अलग हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ 2p धन p बराबर 3p लिखा जा सकता है। स्पष्ट है कि 3p एक पद है। इसी प्रकार देखें, x धन 3 पूरे का वर्ग को हम x का वर्ग धन 6x धन 9 लिख सकते हैं। इसमें तीन पद दिख रहे हैं। x ऋण y पूरे का वर्ग को हम x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित y धन y का वर्ग लिख सकते हैं। इसमें भी तीन पद हैं। आपने देखा कि व्यंजकों में हम जो पद बता रहे थे, उन व्यंजकों को सरलीकृत करने पर पदों की संख्या बदल गई। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यंजक को उसके सरल रूप में लिखना संभव हो, तो उसे सरल रूप में लिखकर उसके पदों की संख्या गिनते हैं। बहुपद, विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, पॉलिनोमियल्स, स्पेशल काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ बीजीय व्यंजक दिए जा रहे हैं, x का वर्ग धन 5x, p ऋण 1, x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग धन 3x ऋण 7। ये सभी व्यंजक बहुपद कहे जाते हैं। क्या कोई ऐसी विशेष बात है जो इन सभी में दिखाई पड़ती है? कुछ और बीजीय व्यंजक देखिए जो बहुपद नहीं है। x धन 1 बटे x, y का वर्ग धन y की घात 1 बटे 2 धन 3, p की घात 3 ऋण 2p धन घनमूल p, 3x की घात ऋण 1। क्या इन चारों उदाहरणों में कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जो पहले उदाहरणों से अलग है? इनके बहुपद नहीं होने का क्या कारण समझा जा सकता है? सभी व्यंजकों जो बहुपद हैं और जो बहुपद नहीं हैं की तुलना कीजिए। अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा कीजिए कि कब एक व्यंजक बहुपद होता है और कब नहीं। आप संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या है, वही बहुपद है। करके देखें। पहला, इनमें से कौन से बहुपद हैं? पहला s ऋण 3, दूसरा 5y की घात ऋण 3, तीसरा p धन 1 बटे p, चौथा a x का वर्ग धन b, पांचवा x की घात 1 बटे 2 धन 1, छठवा 5 p का वर्ग धन 2p धन 1। दूसरा, 5 नए बहुपद बनाएं। बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें बहुपद के पद गिनना, बहुपद के गुणांक पता करना, बहुपद की घात पता करना आदि सीखना होगा। इनकी हमें आगे आवश्यकता होगी। बहुपद x का वर्ग धन 3x में दो पद हैं। पहला पद x का वर्ग और दूसरा 3x। इसी तरह m की घात 3 ऋण 2m का वर्ग धन 9m धन 1 में चार पद हैं। m की घात 3 ऋण 2m का वर्ग, 9m और 1। बहुपद 3y में केवल एक पद है, 3y। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम निर्धारित होता है। चूंकि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, अतः इसके पदों को बीजीय व्यंजकों की तरह ही गिनते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में 3y एकपदी बहुपद है, x का वर्ग धन 3x द्विपदी बहुपद है, m की घात 3 ऋण 2m का वर्ग धन 9m धन 1 चार पदी बहुपद है। सोचें एवं चर्चा करें। पहला, किसी बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो सकती है?
अनंत या परिमित, फाइनाइट। दूसरा, दो पी धन पी एक पदी है या दो पदी है। तीसरा, x धन दो पूरे का वर्ग कितने पद का व्यंजक है। करके देखें, इन व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटिए। पहला 9c, दूसरा 1/2t धन a बटे दो, तीसरा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, चौथा p/q, पांचवा 4x - y, छठवा 2m धन c, सातवां x की घात 4 धन 3x का वर्ग धन 1।